शांति आप सबका स्वागत है। आज हम 2 सितंबर की शुरुआत में पहुंच चुके हैं। घर में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, परमात्मा के साथ में सारे संबंध जोड़ते हुए हम कैसे नष्ट मोह रहे और कैसे हमने भाई परमात्मा के साथ में अपनी रीति। तो परमात्मा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति मतलब हो गया घर बाहर में रहते हस्बैंड वाइफ, निवृत्ति हो गया संन्यास मार्ग, जिसमें सन्यासी होते हैं घर बार छोड़ चले जाते हैं, वाइफ बच्चों को छोड़ चले जाते हैं, होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। कई लोग थे ब्रह्म कुमारीज में आप जाओगे तो आपके संबंध तोड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं संबंध लक्ष्मी नारायण स्वरूप बनाता हूँ, जिसके अंदर ताकत है वो लक्ष्मी नारायण जैसे रह के दिखाए, वही सत्युग में जाकर के वही संस्कार लेके जाएंगे, पवित्र संस्कार लेके जाएंगे। तो मैं तोड़ता नहीं हूँ, मैं बनाता हूँ। और जो गलत जुड़े हुए हैं, झूठे जुड़े हुए हैं, वो ऑटोमेटिक टूट जाते हैं सत्यता के कारण, वो टिक नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर सत्यता नहीं होती, इसलिए वो टूट जाते हैं, मैं नहीं तोड़ता हूँ। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है, प्योर फैमिली लाइफ है ना, गृहस्थ आश्रम कहते हैं, आश्रम में काम वासना नहीं होती है। आप मानते कि नहीं मानते हैं, अगर आप किसी आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे कोई सेक्सुअल चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, कोई काम वासना की चीज़ें नहीं चलती हैं, इसलिए सो कहते हैं गृहस्थ आश्रम। वो आश्रम शब्द को आप थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा। फिर परमात्मा कहते हैं मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, शरीर की तरफ ध्यान जाएगा, शरीर की हैंडसमनेस या शरीर की ब्यूटी की तरफ ध्यान जाएगा, फिर क्या होगा, तपस्या भंग हो जाती है। तो ये पुरुष या स्त्री नहीं है, परमात्मा में सिखा रहे हैं। आत्मा भाई भाई है, आत्मा भाई भाई है, एक परमात्मा के बच्चे हैं। ये परमात्मा लास्ट में संगम युग में आके सिखाते हैं, जब हमारा जाने का समय हो जाता है। इसके पहले ये ज्ञान नहीं मिलता है, बिकॉज इसके पहले हम काम वासना में प्रवेश कर रहे होते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार में हम रावण राज्य चल रहे होते हैं। परमात्मा हमें रावण राज्य से निकालने के लिए इस ज्ञान को देते हैं। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए, है ना, स्त्री पुरुष ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये नहीं होगा, ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। युगल तो आप और बाप हो, है ना, तुम्हें वह माता, तुम्हें पिता, तुम्हें वह साजन, मैं आपकी सजनी। तो परमपिता परमात्मा मेरे साजन हो गए और मैं आपकी सजनी हो गई। तो फिर लौकिकता में कोई साजन सजनी नहीं हो सकता। ये तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, वो निमित्त मात्र आपके साथ सेवा अर्थ है ना। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, एक्चुअल रिलेशनशिप हमारा परमात्मा के साथ में, बाकी जो हमारे रिलेशंस हैं वो सब हमारे सेवा अर्थ हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए सिर्फ। ऐसा समझकर चलो तब कहेंगे हिम्मतवान विजय आत्मा, ऐसा समझ करके चलेंगे तो फिर काम वासना के ऊपर आप जीत पाएंगे, तब आपको हिम्मतवान कहा जाएगा और आप विजय आत्मा होंगे। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा, अगर आप बार बार स्त्री समझेंगे ये मेरी वाइफ है तो उसके शरीर की तरफ ध्यान जाएगा, और हस्बैंड है तो हस्बैंड की तरफ ध्यान जाएगा, उसके गुण दिखने शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्शन होगा, फिर वहाँ पे काम वासना आती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए परमात्मा संगम युग में ही ये ज्ञान समझाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, इसके पहले किसी शास्त्र में ये ज्ञान नहीं दिया जाता है, क्योंकि और कोई आपको कह ही नहीं सकता कि पवित्र रहो, है ना, घर में रहते हुए पवित्र रहो, किसी धर्म के किसी भी धर्मात्मा ने ये सिखाया ही नहीं है कि घर में रहते हुए पवित्र रहो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जो रिलेशनशिप है सिर्फ परमात्मा ही देवों के देव वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बाकी धर्म वाले अगर कहते हैं कि आप पवित्र रहो तो फिर वो धर्म तो वहीं का वहीं रुक जाए, क्रिश्चियनिटी बढ़ी ना, क्रिश्चियन बच्चे ही नहीं नीचे आए, सिख धर्म के बच्चे ही नीचे नहीं आए, सिखिज्म की पॉपुलेशन ना बढ़े, क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन ना बढ़े, मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन ना बढ़े, अगर मोहम्मद जी कहते हैं कि सब घर में रहते हुए पवित्र रहेंगे, कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा, क्योंकि अभी कलयुग खत्म होगा, सत्य में हमारा, सोचो आप जरा। तो ये किसने कहा कि घर में रहते हुए पवित्र रहो हस्बैंड वाइफ होते हुए, ये कौन कह सकता है, ये किसका ज्ञान है, यह थोड़ा गहराई से समझिएगा। ओम शांति इसके साथ।